बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे सेट का। ये टेंथ क्लास मैथ हमने शुरू की है, इसका चैप्टर नंबर 1 है टेंथ क्लास मैथ, जो कि सिंध बोर्ड की है। इसका चैप्टर नंबर 1 है सेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ सेट। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब स्टूडेंट्स, आपको दो वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे इस पूरी डेफिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। दो वर्ड ऐसे हैं इस डेफिनेशन में जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले फर्स्ट हम सीखेंगे कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मीन्स मुख्तलिफ, डिफरेंट। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस पूरी डेफिनेशन में वो है वेल डिफाइंड। तो बात करेंगे वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि ऐसा कलेक्शन हो सेट का, जिस पे हर एक की राय एक ही हो। ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिस पे हर एक की राय एक ही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ऐसा मजमुआ ज़हीन शागिर्दों का। अब ये व्यूज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे वेल डिफाइंड नहीं है कि इस पे हर एक की राय मुख्तलिफ होगी। कोई कहेगा नहीं भाई ये ज़हीन है, कोई कहेगा नहीं ये जो है हर एक की मतलब के उस पे राय डिफरेंट होगी। तो ऐसा कलेक्शन हो, जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिस पे हर एक की राय एक जैसी होनी चाहिए। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। अब ऐसा मजमुआ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का। तो आप देखें व्यूज, इस पे हर एक की राय डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है चेंज नहीं हो सकते, और नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो हर एक क्या लिखेगा, नेचुरल नंबर लिखेगा। कैसे लिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर है। तो हर एक की राय इस पे एक जैसी होगी। लेकिन ये जो कलेक्शन था ये वेल डिफाइंड नहीं था, क्योंकि कोई लिखेगा आमिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अजहर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कोई लिखेगा नहीं असद इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो ये जो है कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अब जो है हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद आता है कि हाउ टू डिस्क्राइब
मेथड टू डिस्क्राइब ए सेट, मेथड्स टू डिस्क्राइब ए सेट, सेट को बयान करने के तरीके या सेट को लिखने के तरीके। सेट को लिखने के जो इम्पॉर्टेंट तरीके होते हैं, जो अक्सर यूज होते हैं, वो होते हैं तीन तरीके। कौन से? नंबर वन टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, इस टेबुलर को रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, टेबुलर और रोस्टर मेथड। उसके बाद नंबर टू डिस्क्राइबेटिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। और उसके बाद होता है सेट बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है। जी, टेबुलर मेथड मैंने यहां पे लिखा है, इसकी डेफिनेशन होती है द मेथड इन विच एलिमेंट्स द मेथड इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट रिटेन इन कर्ली ब्रैकेट ये कर्ली ब्रैकेट होती है इसकी, और एंड आफ्टर और उसके बाद ईच एलिमेंट वो यूज कॉमा। ईच एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के बीच में हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अब द मेथड इन विच एलिमेंट्स, ऐसा तरीका, ऐसा सेट लिखने का तरीका जिसमें जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और वो जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। किसकी हेल्प से? कॉमा की हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये आप कर्ली ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि कर्ली ब्रैकेट रखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 टू सून, तो ये जो है नेचुरल नंबर्स हैं। और आप देखें इनके एलिमेंट्स, ये जो अंदर पड़े हैं ये इसके एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स के बीच में हमने क्या इस्तेमाल किया? कॉमा। तो ये इसका जो है टेबुलर मेथड होता है। उसके बाद इसका नंबर टू जो मेथड होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। इन दिस या द मेथड
the method in which said in which said can be described in words. ऐसा तरीका सेट लिखने का जिसमें सेट को बयान किया गया हो वर्ड्स में, लफ्जों में। तो जैसे कि एग्जांपल तौर हम इस सेट को, ये जो टेबुलर फॉर्म में हमने सेट लिखा है, इसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे, ये लिखते हैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है इसका टेबुलर फॉर्म है, और सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसका, ऐसा मेथड जिसमें जो है सेट डिस्क्राइब किया गया हो किसकी हेल्प से, किसमें, वर्ड्स में। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हैं, कोई नंबर नहीं है, तो ये वर्ड्स में जो है हमने डिस्क्राइब किया, तो इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड कहा जाता है। ये सेट को लिखने के तरीके होते हैं जी। हम लास्ट जो है इसका मेथड पढ़ेंगे, सेट बिल्डर मेथड। इसकी डेफिनेशन होती है द मेथड मेथड मीन्स तरीका इन विच ए सिंबल और ए लेटर यूज्ड फॉर मेंबर्स आर एलिमेंट्स। ऐसा तरीका सेट लिखने का, ऐसा तरीका जिसमें साइम्बल्स यानी निशानी कोई आर लेटर इस्तेमाल हो मेंबर्स आर एलिमेंट्स के लिए। ऐसा तरीका सेट लिखने का जिसमें साइम्बल्स आर लेटर इस्तेमाल हो मेंबर्स आर एलिमेंट्स की जगह पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। अब इसे मान लीजिए कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, इसे हम जब सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो हम इसको x लेंगे। इस सारे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं या मेंबर हैं, इसको हम x लेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इन सारे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए लिखेंगे हम x। ऐसे समझे कि x एक डब्बा है, उसमें हमने ये सारे एलिमेंट्स डाल दिए, तो ये x इन 5 नेचुरल नंबर से भरा हुआ है। तो हम कहेंगे x इस तरह, ये सच दैट की साइन है, तो x सच दैट x इस तरह x का ताल्लुक जो है किससे, नेचुरल नंबर से। ये जो x में जो नंबर आ रहे हैं वो किससे ताल्लुक रख रहे हैं, उनका किससे ताल्लुक है, नेचुरल नंबर से। एंड ये n की साइन है, एंड ये जो है मैथमेटिक में n इस्तेमाल होता है, n की साइन। एंड x जो है, ये जो x की जगह पे ये जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, x में जो हमने एलिमेंट्स रखे हैं वो हम बताएंगे x लेस देन
क्या लिखेंगे? लेस देन। मेरे ख्याल में आपने ये साइन पढ़ी होगी, लेस देन आर ग्रेटर देन एक्स। हम लिखेंगे लेस देन, ये लेस देन की साइन होती है, फाइव एक्स। इस तरह एक्स बिलोंग, एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, और एक्स जो है लेस देन फाइव है। यहाँ पे एक गलती है, देखें एक्स, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये फाइव तक कंप्लीट हैं, तो हम ऐसे कहेंगे ये लेस देन नहीं है। हम लिखेंगे इसके नीचे ये, अब एक्स लेस देन आर इक्वल टू फाइव, के एक्स जो है फाइव से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म था, तो फॉर्म पे हम इसे कह सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सेट का, और उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी और मेथड टू डिस्क्राइब सेट कौन से होते हैं, टेबुलर और रोस्टर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड और बिल्डर मेथड। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी कि द मेथड इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट रिटन इन कर्ली ब्रैकेट एंड आफ्टर ईच एलिमेंट वी यूज इन कॉमा, तो ये इसका एग्जांपल था। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन थी द मेथड इन विच सेट कैन बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, तो हमने इसका ये एग्जांपल लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा सेट बिल्डर मेथड, इसकी डेफिनेशन थी द मेथड इन विच ए सिंबल आर ए लेटर यूज्ड फॉर मेंबर आर एलिमेंट्स, तो हमने एक एग्जांपल दे दिया आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को लगाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।